दोस्तों, कोरोना जैसे महामारी से जिस तरह से हमारा देश जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में न्यूज इंडिया तक लगातार आपको लॉकडाउन के अलावा भी और भी कई सारे खबरें दिखा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में जो सबसे मुसीबत भरा अभी ये है वक्त है उन लोगों के लिए है जो गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं, जो रोज खाने कमाने वाले हैं, उनके साथ बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में इस मुश्किल की घड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके बीच ले जाकर दो वक्त का राशन मुहैया करा रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन है यहाँ पे मानवाधिकार आयोग, जिसके सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर विशाल आनंद जी हमारे साथ हैं, जो कि लोगों के बीच जा रहे हैं और राशन का सामान वितरण कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? हमारी जो संस्था है ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, हम लोग का यही सोच है कि हम लोग 575 फिलहाल पहले चरण में 575 गरीब परिवार को हम लोग राहत सामग्री पहुंचा पाए। चूँकि थोड़ी सी स्थिति विकट है, हमें भी सही से पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है, हम लोग आपसे भी आग्रह करेंगे मीडिया कर्मी से कि आप हम लोग को बताएं कि कौन कौन से एरिया में बहुत ही गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है इस राहत सामग्री को, उनको हम लोग वितरित करेंगे। हमारे टीम में 8 लोग हैं, जिनके नाम क्रमतः हैं डॉक्टर विजय, डॉक्टर मुमताज, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर वृंदावन, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर चंदन और मिस्टर अभिषेक। हम लोग की 8 लोग की टीम है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक दिन कम से कम 3-4 जगह पर ले जाके राहत सामग्री वितरित करें। राहत सामग्री वितरित करते हुए हम लोग ये भी ध्यान रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, ताकि किसी को कोई भी इन्फेक्शन ना बढ़े। हम लोग जो भी अपनी राशन सामग्री लोग को प्रदान कर रहे हैं, उन लोग को भी एक एक करके दे रहे हैं, ताकि अगर कोई भी कोरोना वायरस से कैरियर भी हो तो सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ये कहीं फैले नहीं। डॉक्टर साहब, अभी तक आप लोग किस क्षेत्र में गए हैं और कितने पैकेट का वितरण अभी आप लोगों ने कर लिया है? आज से हमारी संस्था ने ये शुरुआत की है और हम लोग अभी तक पहले जगह, जिसमें हम लोग 35 लोगों को बांट चुके हैं। उसके बाद हम लोग 3 बजे विद्रुतु हाता, 4 बजे हम लोग का हकाम और बिंदुसार के तरफ जाने का है। कल हम लोग के टीम के डॉक्टर चंदन जी ने कटिया में 150 पैकेट का वितरण किया है। चलिए तो दोस्तों, बता दें आपको कि मुसीबत के जिस घड़ी में लोगों का सहयोग चाहिए था, हालांकि आपको बता दें कि कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से जिस तरह से हमारा देश लड़ रहा है, वैसे ही मजबूती के साथ हमारे जो भी सामाजिक लोग हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोग भी लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को मात देने के लिए। और इस समय डॉक्टर विजय भी हम लोग के साथ मौजूद हैं, जो कि इस टीम में शामिल है और वो भी लोगों के बीच जा रहे हैं और मदद कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब लोगों के बीच जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके साथ ही समस्या बहुत बड़ी है। क्योंकि लॉकडाउन है तो काम करने को मिल नहीं रहा है, अपने अपने घरों में कैद हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, ये इन सबों को खाने पीने की बहुत सारी समस्याएं हो रही है। हम लोग अपने अपने एजेंसियों के माध्यम से पता कर रहे हैं कहाँ किस क्षेत्र में कितने लोग भूखे हैं या गरीब हैं, जिनको दो वक्त की भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के दर्द और तकलीफ को देख रहे हैं, क्या लग रहा है जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग सही मायने में मदद पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं, जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से लोग मदद करते हैं, हम लोग तो उनके भरोसे नहीं रह सकते हैं ना। सरकार भी तो मदद कर ही रही है, लेकिन राहत सामग्री बट कहाँ रही है? बहुत कम जगह पे, गिने चुने जो सबसे गरीब तबका है, जो रोज कमाने खाने वाला, उसके वहाँ तो कहाँ पहुँच पा रहा है? नहीं पहुँच पा रहा है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। आप लोग ऐसी स्थिति में जाते हैं? हम लोग ऐसी स्थिति में जाते हैं, अपना संगठन तरह से पैसा लगा करके जो भी है वो कंट्रीब्यूट करके, 8 आदमी की टीम है हमारे यहाँ पे, तो जा करके वहाँ राशन जैसे दाल चावल आलू गुड़ चिवड़ा वगैरह कम से कम 4-5 ने खाना प्रोवाइड करके तब आते हैं। जी सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन की स्थिति में लोग कैसे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और आप लोग लॉकडाउन में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने संगठन को? देखिए, मैं अपने संगठन के माध्यम से सारे देशवासियों को मैं यही अपील करूँगा कि बिना ज़रूरत, बिना किसी इमरजेंसी के आप घर से ना निकले। ये किसी सरकार या किसी एक आदमी के लिए नहीं किया गया है, ये हम आपकी सुरक्षा के लिए, आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, आप दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए घर में रहें।
आप अपने घर में रहेंगे तो आपके द्वारा आप बाहर जाते हैं, आप बीमारी घर में लेकर आएँ, घर के सदस्य सारे इफेक्टेड हो गए। इसलिए सारे देशवासियों से, सारे लोगों से मेरी यही गुजारिश है, अपील है कि आप घर में रहें, बिना इमरजेंसी का घर से बाहर ना निकलें। ये आपके सहयोग से ही इसे हम लड़ सकते हैं, इसलिए आप सभी से मेरी अनुरोध है कि घर में रहें। तो बिल्कुल, देखिए इस दुख के घड़ी में जो सबसे बड़ा मानवता का मिसाल पेश कर रहे हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि आपका इलाज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर आपके बीच राशन का सामान भी पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जोखिम भरा कदम तो ये उठा रहे हैं, और ये कदम इसलिए उठा रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। इसलिए न्यूज़ इंडिया तक भी आपसे अपील करता है कि आप जहाँ भी रहें अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। जैसा क्या कहेंगे बताइए। जो भी लॉकडाउन किया गया है वो हम सब की भलाई के लिए किया गया है, ताकि हम जो है इस कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से बच सकें और जिन लोगों में फैल चुका है वो आगे न बढ़ सके। इसलिए जो है इसका पालन हम सभी देशवासियों को करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए हम लोग सोशल डिस्टेंस बना करके एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं उन्हें खाने की सामग्री नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग अपने हिसाब से जहां तक हो सकता है हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और देशवासियों से अपील है कि वो अपने आसपास के लोगों को भी देख करके अगर उनको ज़रूरत है तो वो अपने हिसाब से उन्हें कर दें, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है और ये सबका हक भी है और फ़र्ज़ भी बनता है एक इंसानियत के नाते। तो मेरी लोगों से अपील है कि इस चीज़ पर ध्यान दें। बिल्कुल, इंसानियत के नाते ये सबका फ़र्ज बनता है कि सभी लोग ऐसे लोगों के बीच जाएं और उनकी मदद करें। आपको बता दें कि न्यूज़ इंडिया तक भी, न्यूज़ इंडिया तक हेल्पिंग हैंड के माध्यम से लोग भी जा रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। अगर आपके भी नज़र में ऐसे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो सचमुच जिनके पास खाने का दो वक्त का राशन उपलब्ध नहीं है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर निकाल के हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी तरह का मदद आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के बीच पहुँचाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। कैमरा पर्सन तबरेज के साथ मैं सरफराज, न्यूज़ इंडिया तक।